हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट, लास्ट लेक्चर में मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन किया था कि हम आजकल कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं। सो रिसेंटली वो पीपल आर फॉलोइंग मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कुछ नया नहीं है, ये सिंपली नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एमलगम है, यानी उन दोनों को मिला के सिस्टम बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर टूडेज लेक्चर, दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बट बिफोर दैट, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जाने से पहले आपको नोमेनक्लेचर का मतलब पता होना चाहिए। द वर्ड नोमेनक्लेचर इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स। नंबर वन इज नोमेन, विच मीन्स नेम, एंड सेकेंड इज क्लियर, विच मीन्स टू कॉल। सो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को नाम से बुलाना, टू कॉल समथिंग बाय इट्स नेम। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या जरूरत थी हमें एक प्रॉपर सिस्टम बनाने की नोमेनक्लेचर का। मतलब हर जगह के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिजम्स को नाम तो दिया ही गया होता है, सो व्हाई? रीजन ये था कि कॉमन नेम्स के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब वो ड्रॉबैक्स हम वन बाय वन डील करेंगे। सबसे पहले, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए गए हैं, हर किसी को नाम नहीं दिया गया हुआ है, ठीक है। सेकंड है, कॉमन नेम्स जो हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। लेट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने राइस की एग्जांपल ली है जिसको पैडी भी बोलते हैं। सो फाइव लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये इंडिया के अकॉर्डिंगली। पैडी को नीलू बोलते हैं तमिल में, व्रीही बोलते हैं संस्कृत में, धान बोलते हैं हिंदी में, वादलू बोलते हैं तेलुगु में, और डंगर बोलते हैं गुजराती में। सो फाइव लैंग्वेजेस, फाइव डिफरेंट नेम्स इन जस्ट वन कंट्री इंडिया। अब इसी पैडी का अगर मैं वर्ल्ड सिनेरियो देख लूं तो कितने ज्यादा नाम आ जाएंगे। तो इतने ज्यादा नामों को रिकॉग्नाइज करके रखना, याद करके रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कर देते हैं, सो वो एक नाम पूरे वर्ल्ड में सेम रहता है, तो ये एक आसानी हो जाती है हमें पढ़ने के लिए भी, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी। फिर जो कॉमन नेम्स हैं, दे मे इंक्लूड सेवरल ऑर्गेनिजम्स, यानी एक कॉमन नेम के अंडर काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को भी डाला जाता है। देन कॉमन नेम्स आर मिसलीडिंग। वाई मिसलीडिंग, मतलब क्यों? यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखी हुई मिल रही है, स्टार फिश, कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, दीज आर नॉट फिशेज। अब सबके साथ फिश लगा हुआ है तो हम जो एक कॉमन नेम मतलब अगर दिया गया है तो हम सबको यही लगेगा कि ये फिशेस हैं, बट नो, दीज आर नॉट फिशेस, इनके अलग अलग जीनस हैं। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि कॉमन नेम्स जो हैं वो समटाइम्स मिसलीड करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ कॉमन नेम इज नो साइंटिफिक बेसिस लाई बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ कॉमन नेम्स। कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, आवे ही नाम दिए जाते हैं कॉमन नेम्स। देन कॉमन नेम्स आर नॉट रेगुलेटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी। कोई एसोसिएशन नहीं बना के नाम दिए जाते, ये नाम जस्ट रैंडम होते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो वही नाम दे देता है। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म मे हैव मैनी नेम्स इन अ सिंगल लैंग्वेज। एक लैंग्वेज में भी एक ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल नेम्स एग्जिस्ट करते हैं। अ कॉमन नेम मे हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में एक चीज के कई मतलब हो सकते हैं। जैसे मेज को कॉर्न बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, और मेज का ही मतलब वीट और अदर ग्रेन्स होता है यूएसए में। सो कॉमन नेम्स, जैसे पहले भी हमने कहा, कि मिसलीड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम को। कॉमन नेम्स के ड्रॉबैक्स पढ़ने के बाद अब हम मूव करेंगे अपने टॉपिक पे, दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूल्स बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनियस इन 1753। बेसिकली है क्या, इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स विद एप्रोप्रिएट एंड डिस्टिंक्ट नेम्स। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को
एक नाम देना वो नाम जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ इंडिया का रिसर्चर काम कर रहा है पाइनस लॉन्गीफोलिया पे, वो जाके अमेरिका पे काम करना चाहता है सेम स्पीशीज पे, तो वो वही बोलेगा मुझे पाइनस लॉन्गीफोलिया पे काम करना है, तो उनको समझ आएगी कि वो किस पे काम करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उनको पूरी ग्रंथ निकालने पड़ेंगे कि क्या बोल रहा है, क्या किस किस ऑर्गेनिज्म पे काम करना चाहता है। तो पाइनस लॉन्गीफोलिया, अगर इंडिया पे पाइनस लॉन्गीफोलिया चीड़ का नाम है जिसको हम चीड़ बोलते हैं, तो वो अमेरिका में भी चीड़ का ही नाम होगा। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो सेम रहते हैं। जो हमारा बायनोमियल नॉमनक्लेचर है, जो ये नाम देते हैं, ये जो नाम है ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम, इसमें दो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं जेनरिक एपिथेट, या फिर जेनरिक नेम, या फिर जीनस। ये तीनों सिनोनिम्स हैं, एपिथेट, जेनरिक एपिथेट, जेनरिक नेम और जीनस। और जो नाम में सेकेंड वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट और स्पेसिफिक नेम और स्पीशीज। ठीक है, अभी आगे मैंने दो पिक्चर्स लगाई हैं, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले कि बायनोमियल नॉमनक्लेचर इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो कार्लस लीनियस ने 1753 में बायनोमियल नॉमनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। फिर सेकेंड चीज़ कि इसमें होता क्या है, इसमें डिस्टिंक्ट नाम दिए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका नाम जो बायनोमियल नॉमनक्लेचर के अकॉर्डिंगली होगा, वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। वन इज जीनस नेम, या फिर जिसको जेनरिक एपिथेट बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक नेम, या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर? ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ राइस। इसमें इसका जो बायनोमियल नॉमनक्लेचर के अकॉर्डिंगली नाम है वो लिखा हुआ है। इट इज ओराइजा सैटिवा। ओराइजा जो है इसका जेनरिक नेम है, और सैटिवा जो है इसका स्पेसिफिक नेम है। जेनरिक नेम मीन्स जीनस का नाम, और स्पेसिफिक नेम मतलब स्पीशीज का नाम। ठीक है, तो ओराइजा जेनरिक नेम, सेटिवा इज द स्पेसिफिक नेम। तो ये जो राइस का ओराइजा सेटिवा नाम है, ये पूरे वर्ल्ड में सेम होगा। ओराइजा सेटिवा मीन्स कॉमन राइस। क्लियर? सिमिलरली ये सेकेंड पिक्चर जो है, ये लोटस का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है यहाँ पे। इट इज निलुम्बो न्यूसीफेरा। निलुम्बो जो है इसका जेनरिक नेम है, और न्यूसीफेरा जो है इसका स्पीशीज का नाम है, यानी स्पेसिफिक नेम है। तो निलुम्बो न्यूसीफेरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे विद द रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमनक्लेचर। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।